मैडम काजल वाली मुझे ना समझ मवाली। तो स्वागत आपका फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम नीतीश गहलोत और आप देख रहे हैं नीतीश गहलोत ब्लॉग। तो अभी शाम के बज रहे 4, तो आज सुबह से कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया हमने, क्योंकि हमारा प्लान बनाया था मॉर्निंग, क्योंकि अब ब्लॉग छोटे बनाने की कोशिश करेंगे, हमारा 10 से 11 मिनट के ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देता हूँ और शाम तक ब्लॉग बनाते रहता हूँ। तो मैंने आज सोचा था कि शाम को जाएंगे खेत में सीधे, मैंने क्योंकि हल लगाना है, शाम को खेत में जाएंगे और वहीं पर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, छोटा ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्लान जो है कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो आज का मौसम ये देख लीजिए, बारिश वाला मौसम हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, हमने ब्लॉग सुबह से कुछ भी ब्लॉग नहीं किया, तो जो प्लान था हमारा वो कैंसिल हो गया हल लगाने का, क्योंकि बारिश में हल लगा नहीं सकते हैं। प्लान कैंसिल हो गया, हमारा ब्लॉग भी कैंसिल हो गया। मैंने सोचा क्या किया जाए, क्योंकि सुबह से आज हमारे पास बहुत ही सारे सुबह का कॉन्टेंट, बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट था हमारे पास। पहले आप ये देख सकते हो पूरे जो हमारे चौक है, यहाँ पर पूरे हमने मिट्टी लगाई हुई है। यह आपको आज थोड़ा चमक धमक आ रही है, क्योंकि इसमें ये मैंने शूट नहीं किया हुआ, थोड़ा सा पार्ट शूट किया जब मैंने जब आधा चौक लग चुका था तब मैंने शूट किया, मतलब मैं मार्केट गया हुआ था तब तक इन लोगों ने लगा दिया था, तो मैंने थोड़ा पार्ट शूट किया उसका, वो आपको आगे मिलेगा। और मॉर्निंग को हम गए थे सोमप्रयाग, यहाँ से जो बाइक की चेन थी थोड़ा लूज़ हो गई थी, तो उसको थोड़ा टाइट करवाया, तो वो भी अच्छा कॉन्टेंट था। एक यहाँ से सोमप्रयाग गए हम और वहाँ पर हमने चेन टाइट कराई, लेकिन अभी चलते हैं मार्केट में, क्या कर सकते हैं, अभी हल लगाने गए नहीं, कल जाएंगे। अभी मार्केट में चलते हैं। कैमरा पर आया बाबा यार, अरे क्या टाइम पास है, जल्द हो जाए तब छोड़ बिल्ले को, तब तो चौक में लिपाई पुताई का क्या मतलब बताया मैं आपको समझाता हूँ। वैसे मैंने पिछले ब्लॉग में जो वाला ब्लॉग आपको दिख रहा है, आई बटन में आ रहा होगा आपको, इस वाले ब्लॉग में मैंने बताया हुआ है कि ये क्यों चौक में जो लिपाई पुताई क्यों की जाती है। इसमें थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो जौ के जो बीज होते हैं, जब हम उनको डंडों से उसको कूटना बोलते हैं, मतलब जब हम डंडों से जौ के ऊपर मारते हैं तो उसके बीज निकल आते हैं, जो पूरी बाली रहती है उससे वो एक एक बीज निकल आता है डंडों से मारने से, तो बीज क्या होता है कि पत्थरों के अंदर चले जाते हैं, इसलिए हम उस पर बाहर से मिट्टी लगाते हैं, क्योंकि जब जो बीज उससे निकलेंगे बाली से निकलेंगे तो इधर उधर नहीं बिखरेंगे। किसका घर का है ये? तो भी आगे मार्केट में चलते हैं सामने तक घूमने के लिए। चेन टाइट कर रखी थी और इसमें ये डाला था, जो भी ऑयल पड़ता है इसका, आप देख सकते हो टायर पे ही पड़ा हुआ है, पूरे नीचे भी लीक हो रहा था। अभी चलते कैमरा रखते हैं जेब में, ये पकड़ने वाला सामने पे, वहीं से पकड़ाते उसको। ये
हेलो पहले ना कि दूस दे ना ए बाबा ये तो कदा पिया था दे चल अब तो कितना हाल होनी यार मैं कंदा इतना इनमें तो नहीं आता होनी लेकिन कहीं में कदा हाल हो रही गांव से अभी थोड़ा आगे आए हैं इसका यहाँ का नाम है मयूसी। यहाँ पर काफ़ी वीडियो हमने बनाई हुई है यहाँ से और यहाँ सीधा नेशनल हाईवे दिखता है 107 आप देख सकते हैं नीचे। यहाँ पे पूरी पेंटिंग हो चुकी है यहाँ से और आगे तक पेंटिंग हो चुकी है। सबसे रास्ता ख़राब यहीं पे रहता था और सबसे ज़्यादा जो जाम लगता था और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो यहीं पर बंद होता था सीजन के टाइम में। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यहीं पर रुकती थी क्योंकि पार्किंग यहीं पर सीतापुर की पार्किंग है और सोनप्या की पार्किंग है तो सबसे जाम सोनप्या और सीतापुर के बीच में सबसे ज़्यादा यहीं पर लगता था सबसे ज़्यादा जाम। लेकिन अभी रोड जो है टू लाइन हो गई है, अभी टू लाइन रोड यहाँ पर बन चुकी है तो अभी ट्रैफिक अभी चांस है कि कम लगेगा अगर यात्रा चलेगी इस बार। वैसे हाई कोर्ट ने तो अभी मना किया हुआ है जो चारों धाम है गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों धामों के लिए अभी क्लोज है यात्रा की, यात्रा नहीं चलेगी। अभी देखते हैं क्या डिसीजन आता है, अभी तो 17 मई बहुत दूर है, देखते हैं तब तक क्या डिसीजन आता है। तो ये रोड है और रोड अभी इस साल काफ़ी अच्छी रोड बन चुकी है, पिछले साल से इस साल तो काफ़ी अच्छी रोड बन चुकी है। हम भी गए एक दो बार, रोड काफ़ी अच्छी है यहाँ से रुद्रप्रयाग तक। कहीं पे काम चल रहा है लेकिन रोड बहुत ही अच्छी बन चुकी है। अभी यहीं पे आए हैं, थोड़ा देर जहाँ पे रुकते हैं उसके बाद निकलते हैं हम घर की ओर। और ये मौसम नया है, सारा काम ख़राब करवाया हमारा, अभी हम हल लगा रहे होते। अभी मौसम ठीक हो गया, एक बार बारिश गिरी थी लेकिन अभी ठीक हो गया मौसम, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये सब नेचर के हाथ में है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से घर की और सामने पे आपको पर्वत
श्रृंखला दिखाई जाए तो यहाँ की ये केदारनाथ है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ पे पूरा केदारनाथ है ये। और यहाँ पर बर्फ़ दिखाता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं पूरी बर्फ़ यहाँ पे। और यहाँ पे परसों की बारिश से यहाँ तक बर्फ़ आई थी यहाँ तक, लेकिन फिर धूप निकल गई और सारी बर्फ़ जो है कि पिघल गई है। अभी यहाँ ऊपर तक देखते हैं यहाँ कब तक रहती है बर्फ़। ओ मैडम का चलो वाली मुझे ना समझ मवाली। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे पानी लक्षण ब्लॉग देखने के लिए तो आपको मिलते हैं फिर किसी दूसरे पानी लक्षण ब्लॉग में। आज का छोटा वीडियो था, हमने छोटा बनाने की कोशिश की। आज के ब्लॉग में कुछ खास था नहीं वैसे, लेकिन वीडियो डालने की कोशिश हमने पूरी की आज कि आज ये ब्लॉग अपलोड हो, तो ब्लॉग अपलोड हमने कर दिया। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो आपको मिलते हैं फिर किसी दूसरे पॉडकास्ट ब्लॉग में।